हेलो दोस्तों, मैं हूं रणवीर और आप देख रहे हैं रेल नॉलेज। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है 18631 रांची अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन दक्षिण पूर्व रेलवे जोन करता है और यह साप्ताहिक मेल टाइप की ट्रेन है जो प्रत्येक गुरुवार को झारखंड के रांची जंक्शन से चलकर बिहार उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती हुई राजस्थान के अजमेर जंक्शन शनिवार को पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन रांची से अजमेर की टोटल डिस्टेंस 1677 किलोमीटर को करीबन 51 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 33 घंटे और 10 मिनट में तय करती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का 37 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और दोस्तों इस ट्रेन की टॉप स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इस ट्रेन को रांची से स्वाई माधोपुर तक सांतरागाछी लोको शेड का V4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है और स्वाई माधोपुर से अजमेर तक भगत की कोठी लोको शेड का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। और वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में ICF ब्रेक श्रेणी के कोच रहते हैं जिनमें दो कोच थर्ड AC के रहते हैं, 5 कोच स्लीपर क्लास के और 8 कोच जनरल क्लास और 2 कोच गार्ड ब्रेक यान को मिलाकर कुल 17 कोच रहते हैं। और दोस्तों, इस ट्रेन का रांची से अजमेर तक का किराया थर्ड AC का किराया 1795 रुपए रहता है, वहीं स्लीपर का किराया 670 रुपए और जनरल क्लास का किराया 365 रुपए रहता है। दोस्तों, यह किराया रांची से अजमेर तक का है और यह अपडेटेड किराया नहीं है क्योंकि रेलवे समय समय पर किराए में बदलाव करता रहता है। इसलिए किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 18631 रांची अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को रांची जंक्शन से रात में 8:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है और दोस्तों यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है मूरी जंक्शन रात में 9:15 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 9:20 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है रामगढ़ कैंट, रात में 10:20 पे यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 10:25 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, बरका काना जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है 10:50 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 11 यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है पतरतु, रात में 11:18 पे यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 11:23 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, खलारी यह ट्रेन पहुंचती है 11:48 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:50 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है टोरी जंक्शन रात में 12:14 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 12:19 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है लतेहार, रात में 12:43 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 12:48 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है बरवाहडीह जंक्शन, रात में 1:16 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 1:21 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, डाल्टनगंज यह ट्रेन पहुंचती है 1:42 पे और 5 मिनट ठहराव के बाद 1:47 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है गरवा रोड जंक्शन, 3:30 पे यहाँ पहुँचती है और 10 मिनट ठहरने के बाद 3:40 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, उन तराई रोड यह ट्रेन पहुँचती है 3:52 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 3:54 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, मोहम्मदगंज यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 4:10 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:12 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है हैदरनगर, 4:23 पे यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 4:25 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, जपला यह ट्रेन पहुँचती है 4:32 पे
और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:34 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों कजरत नवादी यह ट्रेन पहुँचती है 4:41 पर और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:43 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है नबी नगर रोड 4:51 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:53 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों अनकोहरा यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 5:09 पर और 2 मिनट ठहरने के बाद 5:11 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है सोन नगर जंक्शन 5:35 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 5:37 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों डेहरी ओन सोन यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 5:45 पर और 2 मिनट ठहरने के बाद 5:47 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है सासाराम जंक्शन 6:01 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:03 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों कुदरा यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 6:22 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 6:24 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है भभुआ रोड 6:40 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:42 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों दुर्गति यह ट्रेन पहुँचती है 6:49 पर और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:51 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है करमानसा 7:01 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 7:03 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सुबह में 7:55 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 8:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। और दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक यह ट्रेन 554 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है वाराणसी जंक्शन सुबह में 8:55 पर यहाँ पहुँचती है और करीबन 50 मिनट ठहरने के बाद 9:45 पर वाराणसी जंक्शन से रवाना होती है। और दोस्तों वाराणसी जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव एवं रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है मिर्जापुर 11:18 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन 12:45 पर और 5 मिनट ठहरने के बाद 12:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों कानपुर सेंट्रल यह ट्रेन पहुँचती है 3:15 पर और 10 मिनट ठहरने के बाद 3:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। और दोस्तों कानपुर सेंट्रल तक यह ट्रेन 931 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है फिरोजाबाद 5:48 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद शाम में 5:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है टूंडला जंक्शन शाम में 7:05 पर यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 7:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों आगरा फोर्ट यह ट्रेन पहुँचती है रात में 8:20 पर और 10 मिनट ठहरने के बाद 8:30 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है बयाना जंक्शन रात में 10:15 पर यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 10:20 पर बयाना जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों गंगापुर सिटी यह ट्रेन पहुँचती है रात में 11:15 पर और 5 मिनट ठहरने के बाद 11:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सवाईमाधोपुर जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है रात में 12:50 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 12:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। और दोस्तों सवाईमाधोपुर जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल। और दोस्तों यहाँ तक यह ट्रेन 1411 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है दुर्गापुरा रात में 2:11 पर यहाँ पहुँचती है और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद 2:14 पर दुर्गापुरा से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज जयपुर जंक्शन रात में 2:50 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 3 बजे यहां से रवाना हो जाती है।
इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती अपने लास्ट स्टॉपेज अजमेर जंक्शन सुबह में 5:20 पे और यहां तक 1677 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 18631 रांची से अजमेर के बीच चलने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।